बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलासिम सोलर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है वो हम आपको जो है ज़ेनिक की न्यू जो जेड बॉक्स लिथियम आयन बैटरी आई है 100 एम्पीयर 40 वोल्ट के अंदर, इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह जो है वो बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह देख सकते हैं, हमने जो है एक 12 किलोवाट का जो है हाइब्रिड सिस्टम जो है इंस्टॉल किया है, जिसमें जो है वोल्ट्रॉनिक पावर के इन्वर्टर यूज़ किए हैं। 6-6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर जो हैं वो पैरेलल मोड पर वर्किंग में है। तो इसकी आज कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे कि आप जो है, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइंट के पास जो थी ओल्ड बैटरीज लेड एसिड जो है ट्यूबलेस इस्तेमाल थी, अब जो है हमने जो है इनको जो है ये लिथियम आयन बैटरी लगा के दी है। अभी जो है हम इसको जो है यहाँ से रिमूव करके और इनको जो है ये वाली बैटरी जो है वो सेट करके देंगे। फिलहाल जो है आपको इसकी टेक्निकल डिटेल्स और इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है मैंने यहाँ पे जो है इसको रखा हुआ है। और ये जो है डुअल मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे स्पेस है, यहाँ पे जो है इसके नीचे ये इसके फ्लोर स्टैंडिंग मॉडल भी है और इसका वॉल हैंगिंग मॉडल भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है RGB लाइट का स्टेटस भी आता है और ये इस टाइम जो है चार्जिंग मोड के ऊपर है, तो ये बैटरी जो है चार्जिंग हो रही है। इसके अंदर जो है बिल्ट इन वाईफाई का ऑप्शन भी है, यहाँ पे जो है इसका ये एंटीना लगा हुआ है और इसको जो है वाईफाई के थ्रू आप ऑनलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसके जो है BMS को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका जो है पावर स्विच मौजूद है और यहाँ पे इसके आउटपुट के टर्मिनल और BMS के कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट्स मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सेफ्टी ब्रेकर भी है इसकी इनपुट के लिए और इसके आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए इसकी अब बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसकी जो है RGB लाइट है जो कि इसके इंडिकेशन देती है, बैटरी लो होगी तो ये रेड कलर में हो जाएगी, चार्जिंग पे है तो अभी जितनी परसेंट चार्ज होगी और फुल होगी तो ये लाइट यहाँ तक फुल हो जाएगी। अभी क्योंकि मेरे ख्याल 70% या 80% चार्ज है तो ये अपनी चार्जिंग शो कर रहा है। जब चार्जिंग स्टेप बंद हो जाएगी या पावडर चली जाएगी तो ये एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी जितनी परसेंटेज इसकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है, हमारे पास जो है 2 इन्वर्टर जो है इस टाइम पैरेलल मोड पर लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है HS आ रहा है, मास्टर यूनिट है, और ये जिसका जो है वो स्लेव यूनिट है। तो ये 2 यूनिट पैरेलल हमने लगाए हुए हैं। सबसे पहले जब आपने बैटरी कनेक्ट करनी है तो आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और बैटरी जो है वो बीप दे रही है, तो उसका सबसे पहले सोल्यूशन ये है कि आपने यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है एक तरह का ब्रेकर आपने इंस्टॉल कर लेना है इन्वर्टर की जो है बैटरी साइड के ऊपर, और बैटरी को आपने साइड से ऑन कर देना है और 3 से 4 मरतबा जो है आपने इस स्विच को जो है ऑन ऑफ़ करेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो इन्वर्टर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद बहुत सारे इन्वर्टर्स की जो है, क्योंकि ये ऑनलाइन इसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, इसको एप्लीकेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि मॉनिटर कर सकते हैं और इसके BMS की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको मैं कम्प्लीट जो है एप्लीकेशन का डेमो भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी को हमने लगाया हुआ है, इस टाइम बैटरी वर्किंग पे है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अगर इन्वर्टर जो है बैटरी एक्सेप्ट नहीं करता, बैटरी जो है बीप देती है, तो आपने 3 से 4 दफ़ा जो है इसको ऑन ऑफ जो है करेंगे तो आपकी बैटरी जो है इन्वर्टर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद जिस तरह की आप देख सकते हैं हमारे पास 2 यूनिट यहाँ पर लगे हैं और यहाँ पर इसकी जो है 2 ही पोर्ट्स कंपनी ने जो है दी हुई हैं। बेसिकली ये पैरेलल मोड के लिए होती है कि आपने बैटरीज को 3 या 4 बैटरी उसको पैरेलल करने तो आप 2 पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप सिंगल सिंगल पे भी इसकी आउट दे सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे मैंने जो है, हमने जो है दोनों इन्वर्टर्स को जो है, क्योंकि दोनों पोर्ट्स थी तो हमने उसका फ़ायदा उठाते हुए एक एक पोर्ट पर जो है एक एक इन्वर्टर की जो है वो वायर जो है वो दे दी है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है 4 पोर्ट मौजूद हैं। इन की पोर्ट मौजूद है आउट की, RS-485 जो है केबल है और कैन पोर्ट है। ये जो है कुछ पोर्ट जो हैं वो पैरेलल फीचर्स के लिए काम आती हैं और कुछ जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए काम आती हैं। तो जिस तरह के ये पावर स्क्वेयर के इन्वर्टर लगे हैं, ये जो हैं वोल्ट्रॉनिक के जो है मैन्युफैक्चर इन्वर्टर हैं। तो जो BMS होता है वो हर इन्वर्टर का जो है उसकी जो है कम्युनिकेशन केबल डिफरेंट होती है, हर किसी के प्रोटोकॉल डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप जो है हर कंपनी का जो है यूज़र मैनुअल है उसके ऊपर इन पिंस की सेटिंग होती है। ये जो केबल होती है आप ये मार्केट से ईजीली बनवा सकते हैं अपने इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि ये हर केबल हर इन्वर्टर के लिए जो है वो सेपरेट केबल इस्तेमाल होती है। आप जो है आपका जो भी इंस्टॉलर है हमेशा अच्छे इंस्टॉलर का इंतखाब करें ताकि वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके और प्रॉपरली आपकी इंस्टॉलेशन कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे जो है वो, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे BMS की जो है पोर्ट मौजूद है और एक कॉम पोर्ट मौजूद है। तो हमने BMS वाली पोर्ट पर इसको लगा दी है क्योंकि ये मास्टर यूनिट है और ये हमारा स्लेव यूनिट है, इस पर हम नहीं लगाएंगे, एक ही यूनिट पे जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो है मास्टर यूनिट। तो इस केबल का मैंने पर्पस बता दिया आपको कि ये जो है आपने
अपने इन्वर्टर के मुताबिक उसके यूज़र मैनुअल पे जो है इसकी प्रोटोकॉल पिंस होती हैं वो आपने देख लेनी है, उसके मुताबिक जो है ये वायर आपने बना के इसके साथ अटैच कर देनी है। तो यहाँ पे मैं दिखाता चलूँ आपको कि इस टाइम आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर जो है ये ली आयन का जो है आइकॉन ब्लिंक कर रहा है। जब ये इसके साथ 100% लिथियम आयन बैटरी जो है इसका BMS कंपैटिबल होगा तभी ये जो है ली आयन का आइकॉन जो है इस पर ब्लिंक करना शुरू करेगा। अगर तो ये कंपैटिबल नहीं होगी तो ये आइकॉन जो है ये स्टेबल रहेगा। ये देखेंगे स्लेव यूनिट है, यहाँ पे भी कुछ टाइम के बाद जो है ऑटोमेटिक इसको लो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको जो है सिग्नल देगा और इसको एक्टिवेट रखेगा। अब भी आप देखेंगे ये मास्टर यूनिट था, इस पर जो है कॉन्टीन्यूसली ये शो कर रहा है, और ये स्लेव यूनिट है हमारा क्योंकि पैरेलल मोड पे लगा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे भी इसने लिथियम आयन को एक्सेप्ट किया हुआ है और ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो सबसे पहले हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं ये चार्जिंग करंट है, ये 14 नंबर सेटिंग है जो उसकी लिथियम की और तमाम सर इन्वर्टर्स की सेटिंग होती है। इसको हम एंटर करेंगे तो हम आम इन्वर्टर्स की जिस ना इसमें एक ऑप्शन जो है LIC का है और एक जो है LIB का है। तो डिफरेंट इन्वर्टर्स के लिए आप डिफरेंट तरह के सिलेक्ट कर सकते हैं। जो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर है इसके ऊपर जो है आपने अगर आप ज़ूनिका जेड बॉक्स जो है ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने जो है ये LIB वाली सेटिंग जो है इसको कन्फिगर करना है। LIC वाली सेटिंग जो है इसको आपने कन्फिगर नहीं करना। इसको आप जैसे ही LIB पे सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको सेट कर लेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम आयन का सेटिंग आ रही है और ये जो है इन्वर्टर जो वोल्ट्रॉनिक है इस टाइम मेरे पास लगा हुए हैं हमारी साइड पे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसके कट ऑफ वोल्टेज और चार्जिंग फ्लोटेड वोल्टेज हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। इसकी जो है सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें जब हम ये LIB की सेटिंग सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 12-13 नंबर सेटिंग जो है इसमें से ऑटोमेटिकली जो है वो स्केप हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग की सेटिंग है, जैसे ही हमने इसको सेटिंग की तो इसके कट ऑफ वोल्टेज फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज जो है SOC तमाम चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली इसने एक्सेप्ट कर ली हैं। यहाँ पे जो है 56.5 वोल्ट जो है कट ऑफ वोल्टेज इसके लिथियम के हैं। इस टाइम जो है चार्जिंग जो है 9 पे और ये 54 वोल्ट पे बैटरी की जो है इस टाइम पोजिशन है वो 54 वोल्ट के ऊपर है। तो ये दो यूनिट लगे हैं मास्टर और स्लेव। आपने जो है BMS अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं और दो यूनिट लगे हुए हैं तो आप मास्टर यूनिट पे लगाएंगे। अगर सिंगल यूनिट एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं उस सूरत में आप जो है अगर आपका सिंगल यूनिट है तो ऑब्वियसली उसमें जो आपका यूनिट है उसी की जो है BMS पोर्ट वो ही इस्तेमाल होगी। अगर आपका कोई ऐसा इन्वर्टर है जिसके अंदर BMS का ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप जो है इस बैटरी को वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट 48 वोल्ट देके अगर आप BMS की केबल अटैच नहीं करते। अगर आपके पास प्रोटोकॉल पिन्स हैं और आप केबल बना के इसको लगा सकते हैं और आपका इन्वर्टर सेट करता है तो इसको जो है आप लोग BMS से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इसका प्रोसीजर। आगे जाके मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊँगा कि वो आप किस तरह से कन्फिगर कर सकते हैं, एप्लीकेशन के नाम क्या हैं और उसमें जो है किस तरह से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है दो तरह की एप्लीकेशंस हैं, एक जो है ज़ूनिक की अपनी एप्लीकेशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी के साइड पे जो है आपको कोड नज़र आ जाएगा जो इसके BMS का PN नंबर है। तो दो तरह की एप्लीकेशन है इसके अंदर, एक जो है वो ज़ूनिक ने अपने नाम से बनाई हुई है ज़ूनिक की, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा, आप जाके डायरेक्ट जो है उसको एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जो एप्लीकेशन है उसका नाम जो है ज़ेनेक्स ग्रीन है, वो भी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है इसके BMS की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं और वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दो एप्लीकेशन हैं इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके BMS को ऑनलाइन मोनिटर करने के लिए। तो ये है ज़ूनिक की जेड बॉक्स लिथियम आयन बैटरीज। आज मैंने आपको बताया कि हम वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर के साथ किस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं। प्रोटोकॉल पिन जो है वो हर इन्वर्टर की अपनी होती है। जो भी आपका इन्वर्टर है आप उसका यूज़र मैनुअल चेक कर सकते हैं, उस पर जो है इनकी सेटिंग्स लिखी होती हैं कौन सी पिन नंबर जो है वो आपने इन्वर्टर में लगानी है और कौन सी पिन नंबर जो है आपने बैटरी में अटैच करनी है। तो यहाँ पर जब ये 100% कन्फिगर हो जाएगी तो उसकी निशानी ये होती है कि जो लिथियम आयन का आइकॉन है ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे इन्वर्टर ने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया है बैटरी को। अगर इन्वर्टर जो है बैटरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसके ऊपर 61 नंबर का जो है वो फॉल्ट कोड आएगा।
61 नंबर फॉल्ट का मतलब है कि आपकी बैटरी जो है वो BMS के थ्रू इसके साथ कंपैटिबल नहीं हो रही। तो चलते हैं अब जो है इसकी मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ, उस पर देखते हैं कि हमें क्या सेटिंग्स करनी है और उससे जो है किस तरह कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो एक एप्लीकेशन है ZenX Green, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सिस्टम डाउनलोड है और मैंने इसको अटैच किया हुआ है। यहाँ पे आप राइट साइड पे ऊपर देख सकते हैं ऐड का ऑप्शन है, आप ऐड के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर उसका स्कैन करेंगे, VMS का जो बैटरी की साइड पे है तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये देख सकते हैं मेरे पास सिस्टम एक ऑनलाइन है, राइट साइड पर वाईफाई का आइकॉन आ रहा है, मेरा जो है बैटरी जो है वो वाईफाई से अटैच है, इस टाइम चार्जिंग मोड के ऊपर है, 65% जो है बैटरी वो चार्ज है। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ से तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। बैटरी जो है इस टाइम ऑनलाइन है, 65% इसके अंदर एनर्जी है और जो है इसके बोर्ड का टेम्परेचर आ रहा है, सेल का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड्स चल रहे हैं, हर कुछ सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद जो है बैटरी अपना BMS का जो है डाटा ऑनलाइन जो है वो अपडेट करता है। उसके बाद देख सकते हैं आप नीचे, क्योंकि ये 100 एम्पीयर की बैटरी है तो एग्जैक्टली जो है 102 एम्पीयर हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, 53 वोल्ट जो है बैटरी की वोल्टेज है इस टाइम, और इसके साथ साथ जो है 66 एम्पीयर जो है वो सरप्लस हैं, और इसके साथ साथ जो करंट इस टाइम हो रहा है वो 10.71 एम्पीयर जो है चार्जिंग करंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइम जो है 10.7 एम्पीयर जो है चार्जिंग आ रही है बैटरी के अंदर, क्योंकि बैटरी जो है जब मैं दिखाता हूँ आपको इस टाइम ये चार्ज मोड पर है, जब ये डिस्चार्ज पर होगी तो यहाँ पर जहाँ चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्चार्ज लिखा आ जाएगा, और जहाँ पे ये करंट के एम्पेयर आ रहे हैं यहाँ पे इसके साथ माइनस लिखा आ जाएगा। जब माइनस लिखा आएगा इसका मतलब है बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इतने एम्पेयर, जब ये माइनस ख़त्म हो जाएगा इसका मतलब है बैटरी चार्ज हो रही है। नीचे जो है इसका ग्राफ आ रहा होता है और जो है एनर्जी के स्टैटिक्स आ रहे होते हैं, मेन चीज़ जो है इसके एम्पेयर आ रहे हैं बैटरी चार्जिंग पे या डिस्चार्जिंग पे वो आ रहा है। यहाँ पे इसको हम इसके साथ बाइंड कर देंगे और यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं इन्वर्टर का ऑप्शन बना रहा है। जब हम इन्वर्टर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली रीड सक्सेस, यहाँ पे जो है इसके मुख्तलिफ जो है पोर्ट्स हमारे पास आ रही होती हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको जब हम नीचे करेंगे तो ये पाइलन टेक और तमाम किस इन्वर्टर का बना हुआ है, मास्क का बना हुआ है, बेकी का बना हुआ है, सोलेक्स का है, VLTC जो है वोल्ट्रॉनिक के लिए, क्योंकि हमारा इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक का था तो हमने VLTC जो है सेलेक्ट किया हुआ है। तो तमाम इन्वर्टर्स के जो यहाँ पे शॉर्ट कोड्स लगे हुए लिखे हुए हैं, इसकी जो डिटेल है वो इसके यूज़र मैनुअल पे जो है मेंशन है। तो यहाँ पे अपना जो आपकी कम्युनिकेशन पोर्ट है RS485 वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन सी है, और कैन पोर्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नन है तो हमने इसको नन सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है इसको ये खुद ब खुद ही रीड सक्सेस कर लेगा। जैसे ही मैं इन्वर्टर के ऑप्शन पर जाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे लिखा आ जाएगा रीड सक्सेस, इसने जो है मेरे इन्वर्टर को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है इसकी कुछ एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम जो है वो ZenX Green है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है BMS एक्टिवेशन है, यहाँ पर जो है हमारे पास इसका हमने जो है स्टेशन जो है वो बाइंड किया हुआ है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, क्या रेवेन्यू है, तमाम तरह चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके हम अपना वाईफाई को स्कैन करके बैटरी को जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, ताकि हम कहीं भी बैठ के दुनिया में इसको जो है इसके BMS का डाटा मॉनिटर कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन है जिसका नाम जो है वो ज़ूनिक ने अपने नाम से एप्लीकेशन बनाई है, इसका मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से हम जो है, अभी यहाँ पे नो डाटा आ रहा है, अभी मैं बैटरी के पास जाऊँगा और इसको जो है यहाँ पे इसका जो है वो स्कैन करेंगे QR कोड, जैसे ही हम QR स्कैन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको यहाँ पे शो करना शुरू कर दी। यहाँ पे ऐड नाउ का ऑप्शन आएगा, ये बैटरी है, यहाँ पे हमने इसको स्कैन किया, जैसे स्कैन किया ये देख सकते हैं इसने हमारा BMS का तमाम पर डाटा जो है शो करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 एम्पीयर की बैटरी है, 10 एम्पीयर चार्जिंग करंट है, 53 वोल्टेज हैं और तमाम तर चीज़ें, बोर्ड का क्या टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, सेल का टेम्परेचर क्या है, तमाम तर चीज़ें जो है ये हमें इस एप्लीकेशन पे भी दिखा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ऑनलाइन लिखा आ रहा है। तो ये दोनों एप्लीकेशन हैं, दोनों के जो है अपने अपने ग्राफिक्स हैं, सेम डाटा जो है दिखाते हैं, तो आप दोनों एप्लीकेशन जो है इसकी यूज़ कर सकते हैं।
था हमारा आज का सिस्टम, जो 12 किलो वाट का हाइब्रिड इन्वर्टर जो है हमने इंस्टॉल किए हुए हैं लिथियम आयन बैटरीज के साथ। जो है लिथियम आयन बैटरी वो है ज़ूनिक की, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की, जो है जेड बॉक्स यूरोपियन सीरीज़। अगर आप ये बैटरी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस बैटरी की डिटेल और इसकी प्राइस के लिए जो है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ये बैटरी भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी डिलीवरी सर्विस भी अवेलेबल है। मजीद इस तरह की टेक्निकली और मालूमती वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो से आप हमेशा बाखबर रह सकें।